हेलो स्टूडेंट्स, अब कोई लाइव है अभी? हेलो स्टूडेंट्स, हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास हम बात करेंगे लेबलिंग के कुछ इम्पोर्टेंट बारे में। तो चलिए करते हैं आज क्लास स्टार्ट, जिसमें हम बात करेंगे लेबलिंग के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में, जिसमें आपको देखें जो मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ आपको, आप मुझे इतना बता दीजिए कि जो डिस्प्ले है स्क्रीन पर वो एक सही से दिखाई दे रही है और आवाज़ मेरी ठीक से आ रही है क्या? आवाज़ के बारे में बताएं, आवाज़ सुनाई दे रही है सभी को? हेलो सभी को, हेलो सभी, हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, सभी को मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? स्क्रीन सही से आ रही है? डिस्प्ले बताइए, डिस्प्ले ठीक से आ रही है सभी को? सभी को इस डिस्प्ले ठीक से दिखाई दे रही है? ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं आज क्लास स्टार्ट। देखें अब यहाँ पर, देखें इसमें हम जो क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ, वो क्वेश्चन हमारे किस तरीके के होंगे उसको समझें। मैं यहाँ पर जितने भी आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस कराऊंगा उसमें आपको मैं एक चैप्टर वाइज यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दूंगा, यानी हम क्या करेंगे कि चैप्टर वाइज यहाँ पर हम पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले हम लेबलिंग चैप्टर हमने यहाँ पर लिया हुआ है, तो लेबलिंग चैप्टर से जितने भी हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट जो भी हमारा क्वेश्चंस बन सकते हैं, जो हमारे कंपटीशन में हमें देखने को मिल सकते हैं, उन सब पर हम डिस्कस करेंगे। और साथ साथ हम यहाँ पर जो पढ़ेंगे वो कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे कि लेबलिंग जो हमारा जो भी टॉपिक या आप जो भी चैप्टर हम पढ़ रहे हैं वो हमारा पूरी तरीके से रिवाइज भी हो जाए। तो इस तरीके से हम इसको पढ़ेंगे। तो चलिए करते हैं आज क्लास स्टार्ट, जिसमें हम दो तरीके के बात करेंगे, एक तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, और साथ साथ हमें ये भी देखना है कि बाकी जो हमारे ऑप्शन होंगे इसमें उन ऑप्शन से हमें कौन कौन से और दूसरे क्वेश्चन हमें देखने को मिल सकते हैं। तो हम यहाँ पर बात करेंगे चारों मल्टीपल चॉइस में हमें जो ऑप्शन दे रखे होंगे उन चारों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज के, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि हमें बोला गया है। अच्छा एक चीज़ और कि यहाँ पर आप कई स्टूडेंट्स के दिमाग में ये भी है कि हिंदी में या इंग्लिश में हमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होने वाली है, तो मैं उसके लिए आपको बता दूं कि मैं जब हिंदी में जो क्वेश्चन चाहे किसी भी लैंग्वेज में हो, चाहे इंग्लिश में हो, हिंदी में हो, अगर क्वेश्चन हिंदी में होगा तो उसे मैं इंग्लिश में भी कन्वर्ट करके आपको बताऊँगा, और जो हिंदी में है उसे इंग्लिश में कन्वर्ट करके बताऊँगा, और जो इंग्लिश में ऑलरेडी क्वेश्चन यहाँ पर है हमें देखने को मिलेगा उसको हम हिंदी में भी मैं एक्सप्लेन करके यहाँ पर आपको बताऊँगा। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। अब सबसे पहला क्वेश्चन आप देखें यहाँ पर, हमें दिया गया है द सेंसिटिविटी ऑफ बबल ट्यूब कैन बी इंक्रीज बाई, मतलब हमसे पूछा गया है जो बबल ट्यूब की सेंसिटिविटी है उसे हम कैसे, मतलब किस तरीके से बढ़ती है, यानी कि उसमें ऐसे कौन से पैरामीटर हैं जिनमें हमें सेंसिटिविटी बढ़ते हुए देखने को मिल सकती है। तो सबसे पहले मैं इसके रिगार्डिंग आपको देता हूँ एक्सप्लेनेशन कि हमें अगर सेंसिटिविटी की अगर हम बात करें तो सेंसिटिविटी हमें कब कब बढ़ते हुए देखने को मिल सकती है। तो देखें अगर किसी केस में हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर, आर का मतलब यहां पर है रेडियस ऑफ कर्वेचर, आपको ध्यान से सुनना है, मैं इतना ही कह सकता हूं कि जो भी क्लास है इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा, आपको क्वेश्चन पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं सारे डाउट्स ऑलरेडी खुद ही क्लियर कर दूंगा, आप सिर्फ यहां पर वीडियोस को आप अच्छी तरीके से ध्यान से समझें। तो मैंने बताया कि बबल ट्यूब की अगर हम सेंसिटिविटी की बात करें तो सबसे पहला हमारा पॉइंट आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो अगर हम आर का मतलब यहां पर है रेडियस ऑफ कर्वेचर, अगर हम बढ़ाएंगे इंक्रीज करेंगे तो हमारी सेंसिटिविटी भी इंक्रीज होगी। दूसरा अगर हम फैक्टर की बात करें, कौन दूसरा हमारा फैक्टर है डायामीटर ऑफ हमारा ट्यूब, यानी हमारी जो ट्यूब का व्यास है अगर उसको हम बढ़ाएंगे तो भी हमारी सेंसिटिविटी हमें देखने को मिलेगी। दूसरा हमारा है बबल लेंथ, यानी एल का मतलब यहां पर आप समझेंगे लेंथ ऑफ बबल, अगर किसी केस में हमारी बबल की लंबाई बढ़ती है तो भी हमारी सेंसिटिविटी ट्यूब की क्या होगी, हमें बढ़ती हुई दिखाई देगी। आगे अगर हम बात करें और क्या क्या, तो एक वर्ड हमारा यहां पर, मैं यहां पर लिख रहा हूं स्मूथनेस, तो देखें जरा यहां पर मैंने लिखा हुआ है स्मूथनेस, अगर हम स्मूथनेस अगर हम बढ़ा दें इंटरनल स्मूथनेस ऑफ ट्यूब, तो किसी केस में अगर हमारी ट्यूब की इंटरनल सरफेस की अगर हम स्मूथनेस को बढ़ाते हैं तो भी हमें क्या देखने
डायरेक्शन, यानी इन सारे पैरामीटर्स को अगर हम इंक्रीज कर दें, देखो मैंने एरो लगाया है अपवर्ड डायरेक्शन में, इसका मतलब है इंक्रीज कर दें तो हमें क्या होगा, सेंसिटिविटी भी हमें इंक्रीज हो जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ा दें, डायमीटर ऑफ ट्यूब बढ़ा दें, तीसरा पॉइंट था हमारा लेंथ ऑफ बबल बढ़ा दें, या फिर हम स्मूथनेस ऑफ ट्यूब बढ़ा दें, तो अगर ये चारों पॉइंट्स अगर हम बढ़ाते हैं तो हमें ट्यूब की सेंसिटिविटी, यानी जो हमारी बबल ट्यूब है उसकी सेंसिटिविटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो यहां पर पूछा था कि हमें सेंसिटिविटी कब कब इंक्रीज हो जाएगी, तो अब देखें ये आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब यहां पर आगे देखते हैं हम कि किस तरीके से देखें। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा है इंक्रीज द डायमीटर ऑफ ट्यूब, तो बिल्कुल सही है हमारा पहला ऑप्शन कि हमसे बोला गया है कि बबल ट्यूब की सेंसिटिविटी कब इंक्रीज होगी, जब हमारा डायमीटर इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज मतलब है बढ़ जाएगा। तो डायमीटर अगर हमारा बढ़ जाएगा तो ऑप्शन ए तो हमारा ठीक है। ऑप्शन बी पर अगर बात करते हैं तो दूसरा ऑप्शन हमारा कहता है कि द लेंथ ऑफ द डिक्रीजिंग द लेंथ ऑफ बबल, मैंने अभी आपको बताया था कि बबल की जो लेंथ है L बढ़ाने पर हमारी क्या होती है, सेंसिटिविटी बढ़ती है। तो ये तो उल्टा बोल रहा है इसमें कि डिक्रीज द लेंथ ऑफ बबल, यानी कि हमारी जो लेंथ ऑफ बबल डिक्रीज होगी तो सेंसिटिविटी डिक्रीज जाएगी। तो दूसरा ऑप्शन हमारा कैसा हो गया, यहां पर गलत हमें देखने को मिला। तीसरे ऑप्शन की अगर हम बात करें इंक्रीज द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, तो अगर मैं आपको यहां पर विस्कोसिटी के बारे में अगर मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूं तो अब आप देखें इसको विस्कोसिटी बारे में समझते हैं। अगर हम बात करें विस्कोसिटी को, मैं यहां पर म्यू से डिनोट कर रहा हूं। विस्कोसिटी अगर हम किसी केस में बढ़ाएंगे, विस्कोसिटी का मतलब है लिक्विड का गाढ़ापन अगर हम बढ़ाएंगे तो उस केस में हमारी सेंसिटिविटी जो है वो घट जाती है। आप खुद ही जानिए कि सेंसिटिव का मतलब होता है सुग्राह्यता, यानी कि कोई चीज हमारी थोड़े से मूवमेंट अंतर पर हमारा कितना उसके अंदर डिफरेंट मतलब अंतर आ जाता है। तो अब आप सोचिए कि एक पतले लिक्विड की अगर हम बात करें तो उसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन ऑफ गाढ़े लिक्विड से। तो अगर हम विस्कोसिटी को बढ़ाते हैं तो हमारी सेंसिटिविटी डिक्रीज होगी, ना कि इंक्रीज होगी। तो हम ये भी कह सकते हैं कि दूसरा ऑप्शन भी हमें क्या कह रहा है, वो हमें गलत बताया गया है। आपको ये जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ इनके इनसे अगर आप नोट्स भी बनाएंगे तो आपके ऐसे नोट्स बन जाएंगे कि अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको आएगा तो आप ना सिर्फ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आप चार ऑप्शन सॉल्व कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप चार क्वेश्चन का आंसर ले रहे हैं कि ये अगर होता तो क्या होता। अगर इस क्वेश्चन में हमें ये दिया गया होता कि सेंसिटिविटी हमारी डिक्रीज कैसे होगी, तो उस केस में हम आंसर ये कर सकते थे कि अगर विस्कोसिटी को इंक्रीज कर दें तो हमारी सेंसिटिविटी डिक्रीज हो जाएगी, लेकिन हमसे तो पूछा गया इंक्रीज के बारे में। अच्छा, आप चौथे ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। आगे बोला डिक्रीज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, मैंने अभी आपको बताया था कि रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर हम इंक्रीज करते हैं तो हमारी सेंसिटिविटी भी इंक्रीज हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि चौथा ऑप्शन भी हमारा क्या बता रहा, गलत। तो इस ओवरऑल हमारा इस क्वेश्चन में जो हमारा आंसर निकल के आया वो आया कि सेंसिटिविटी ऑफ बबल ट्यूब कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीज द डायमीटर ऑफ ट्यूब, जो कि हमारा ऑप्शन ए में आपको दिखाई दे रहा होगा। तो अच्छा, चलो एक बार मैं अब मैसेज बॉक्स को ऑन कर रहा हूँ, मैंने अभी ये चैट ऑप्शन बंद कर रखा था। आप मुझे ये बताइए कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। देखो मैं सभी को मतलब मेरा इसके चक्कर ये है कि आप जानती हैं कि मैं इस मोबाइल से मैं यहाँ पर लाइव हूँ, तो इसमें मैं सभी के मैसेज पढ़ सकता हूँ एक बार में, या फिर मैं पढ़ा ही सकता हूँ। तो मैं चैट ऑप्शन बंद कर देता हूँ। बाकी फिलहाल मैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया उस बारे में आप बताएं, क्लियर पूरी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर है ना इसका कि कैसे हमारा ये आंसर आया। चलिए तो अब मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ, हम समझते हैं सेकेंड क्वेश्चन के बारे में। चलिए ठीक है रवि सैनी MKVSD नेपाल से हैं, ठीक है मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। यहाँ पर देखें अब हम आगे अगर हम चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि द लिक्विड, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, द लिक्विड इन लेबल ट्यूब शुड बी, मतलब जो हम लिक्विड लेबल ट्यूब में भर रहे हैं वो हमारा कैसा होना चाहिए। मतलब हिंदी वाले भी स्टूडेंट समझ लें, ये नहीं समझा कि इंग्लिश में है तो मैं सारा इंग्लिश में ही पढ़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैं आपके चाहे हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से हो, आपको पूरी तरह से डाउट भी क्लियर होंगे, समझ में भी आएंगे। आगे देखते हैं द लिक्विड इन द लेबल ट्यूब शुड बी, यानी जो हमारा लिक्विड लेबल ट्यूब में भरा हुआ है वो हमारा कैसा होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि वो ऐसा होना चाहिए, जैसे हम जानते हैं कोई भी हम जब सर्वे करते हैं तो हम जानते हैं कि मशीन अगर डिस्टर्ब होती है तो हमें सिर्फ इस बात से पता चलता है
कि मशीन की जो लेबल ट्यूब है उसकी सेंसिटिविटी क्या है। तो कोई भी लिक्विड हमारा कैसा होना चाहिए कि थोड़ा सा भी उसके अंदर अगर एक्शन हो जाए तो वो हमें अपना वेरिएशन दिखाए। तो हम ये बात तो कह ही सकते हैं कि जो लिक्विड है वो हमारा क्विक एक्टिंग होना चाहिए। दूसरा एक आप ये भी जानते हैं, जब भी हम कोई सर्वे करते हैं तो उसके लिए हमारे पास कोई भी पर्टिकुलर जगह तो होती नहीं है। हम सर्वे किसी ठंडे एरिया में भी कर सकते हैं, हम सर्वे किसी बहुत ज़्यादा जो हमारे हॉट वेदर वाले एरिया हैं वहाँ पर भी हम कर सकते हैं। तो हमारा लिक्विड कैसा होना चाहिए, स्टेबल अंडर नॉर्मल टेम्परेचर वेरिएशन। यानी अगर एक नॉर्मल टेम्परेचर वेरिएशन होता है तो उसमें हमारा लिक्विड कैसा रहना चाहिए, स्टेबल रहना चाहिए। तो सी ऑप्शन भी हमारा सही है। और नॉन फ्रीजिंग होना चाहिए, मतलब वो जमना भी नहीं चाहिए, तो ये भी हमारा ऑप्शन सही है। तो हमने ये ओवरऑल ये चीज़ सीखा कि जो हम लिक्विड हम भर रहे हैं लेबल ट्यूब में उसमें हमारा ये ऑल ऑफ द ऑप्शन हमारा सही है, क्योंकि वो क्विक एक्टिंग भी होना चाहिए, नॉन फ्रीजिंग भी होना चाहिए, स्टेबल अंडर नॉर्मल टेम्परेचर वेरिएशन भी होना जरूरी है। चलिए अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे हम बात करते हैं, अच्छा एक बार मैं चैट ऑप्शन फिर दोबारा से, क्योंकि आज हमारी पहली क्लास है तो स्टूडेंटों का मुझे देख, ये सब क्लियर हुआ, डी ऑप्शन सही है, हाँ बिल्कुल ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलो मैं आगे बात करता हूँ, आप इसमें आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, आगे कह रहा है विद द राइज ऑफ टेम्परेचर द सेंसिटिविटी ऑफ बबल ट्यूब। देखिए एक अच्छा क्वेश्चन है, आपको अच्छी तरीके से समझना है कि कैसे। ये कह रहे हैं कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा दें तो बबल ट्यूब की सेंसिटिविटी कैसे हो, मतलब कि क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो जरा ऑप्शन बताओ कोई, इसका आंसर बताओ कोई, मैं ऑप्शन देख रहा हूं सभी के। टेम्परेचर राइज होने पर हमारी सेंसिटिविटी पर क्या फर्क पड़ेगा, ऑप्शन ए ऋषभ, ऑप्शन बी नहीं। देखो अब समझते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देखो मैं देता हूं, ठीक है, फिर अपने आप चेक करना कि तुम्हारा आंसर कैसे सही था या गलत। देखो इसका रीजन भी समझो, ऐसा क्यों है। विद द राइज ऑफ टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर को राइज करते हैं तो सेंसिटिविटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर आप देखें, मैंने अभी आपको एक बात बताई थी, वो बात ये थी कि अगर हम किसी केस में बबल ट्यूब की जो लेंथ है वो अगर हम बढ़ा देते हैं तो हमारी सेंसिटिविटी क्या होगी, हमारी सेंसिटिविटी भी बढ़ जाती है। ये बात मैंने अभी आपको पहले क्वेश्चन में बताई कि लेंथ ऑफ बबल इंक्रीज होगी देन द सेंसिटिविटी भी ऑल्सो इंक्रीज हो जाएगी, यानी सेंसिटिविटी भी इंक्रीज हो जाएगी। तो अब यहां पर आप ये सोचिए कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ध्यान से समझना आप, अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो लिक्विड में क्या होगा, एक्सपेंशन होगा। लिक्विड हमारी एक ट्यूब में भरा हुआ, ये हमारी एक ट्यूब है जिसमें यहां पर एक छोटा सा बबल आपको देखने को मिलता है। तो अब यहां पर हमारा क्या है, लिक्विड भरा हुआ है इसमें, जहां मैं पॉइंट पॉइंट मार्क कर रहा हूं। तो अब यहां पर अगर लिक्विड में एक्सपेंशन होगा तो आप मुझे ये बताइए कि बबल की जो लेंथ है वो कैसी होगी, हमारी डिक्रीज होगी। तो बबल की लेंथ अगर डिक्रीज होगी तो सेंसिटिविटी भी क्या हो जाएगी, हमारी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि हम पहले ही क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं कि अगर लेंथ हमारी इंक्रीज होती है तो उस केस में हमारी सेंसिटिविटी भी इंक्रीज हो जाती है। तो अगर लेंथ बढ़ेगी तो सेंसिटिविटी भी बढ़ेगी, और लेंथ अगर घटेगी बबल की तो सेंसिटिविटी भी घट जाएगी। तो इसलिए इसमें हमारा ऑप्शन में आंसर हो गया हमारा ए सही, विद द राइज ऑफ टेम्परेचर द सेंसिटिविटी ऑफ बबल ट्यूब डिक्रीज। क्यों डिक्रीज हुई इसके बारे में भी मैंने आपको यहां पर बता दिया। चलिए अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। चलो अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, देखें अगला हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट यहां पर ऑप्शन होगा सेंसिटिविटी ऑफ बबल इंक्रीज विद। अच्छा देखें, अब मैंने आपको यहां पर सारे इसके जो वो थे प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताए। अब मुझे आप ये वाला क्वेश्चन देखें, सर सर्वे का वीडियो पहले स्टार्ट करना। अब आप मुझे जरा देखें, आप जो पहले जो हो गया उसको छोड़िए, अब आप इसको देखिए कि अभी आपको ये वाला क्वेश्चन देखें और मुझे इसका आंसर बताएं सभी। ए बी सी हाँ ठीक है, और आप आगे भी आंसर, बोथ आर करेक्ट, ठीक है बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर मैं आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल सही आंसर लगा रहे हैं, क्योंकि मैं अभी आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इसमें हमारा क्या होगा, जो सेंसिटिविटी ऑफ बबल इंक्रीज विद। तो मैंने अभी बताया था रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर हम इंक्रीज करते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर हम इंक्रीज करते हैं तो, और दूसरा हमारा स्मूथनेस को, दोनों को अगर इंक्रीज करेंगे तो सेंसिटिविटी भी हमारी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इसमें आंसर हो गया हमारा सी सही। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखें जरा नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है। अगला क्वेश्चन देखें जरा यहाँ पर,
अगला क्वेश्चन हमारा है, इसको अच्छी तरीके से समझना है। द सेंसिटिविटी ऑफ बबल ट्यूब इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि जैसे जैसे हमारी बबल ट्यूब की सेंसिटिविटी बढ़ेगी जैसे जैसे हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ेगा। बिल्कुल सही है, ठीक। अलग अलग तरीके से हमें क्वेश्चन पूछ सकता है, इसमें हमें करेक्ट निकालना है। द सेंसिटिविटी ऑफ बबल ट्यूब इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ द लेंथ ऑफ पेपर बबल, बिल्कुल सही है। लेंथ पेपर बबल की हमारी लेंथ बढ़ेगी तो सेंसिटिविटी बढ़ेगी। द सेंसिटिविटी ऑफ बबल ट्यूब विल बी मोर, द डायमीटर ऑफ बबल ट्यूब इज मोर, ये भी सही। तो इसमें आंसर हो गया ऑल ऑफ द अबव सही, यानी कि हमारी जो बबल ट्यूब का डायमीटर बढ़ा दें या फिर हम बबल ट्यूब की लेंथ बढ़ा दें, तो इसमें सभी आपने देखा होगा कि इससे रिलेटेड आपके सारे क्वेश्चंस मैंने यहां पर एक साथ रखे हुए हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। अगले क्वेश्चंस पर देखिए, अगला क्वेश्चन हमें क्या कहता है, अगला क्वेश्चन हमें कह रहा है कि लाइन ऑफ कॉलिमेशन इज डिफाइंड एज, इसका मतलब ये है कि एक संधान रेखा को आप कैसे परिभाषित कर सकते हैं। ध्यान से समझना है, इसके हर एक ऑप्शन पर हम विचार करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए पर अगर मैं बात करूं, ऑप्शन नंबर ए को अगर हम देखें, तो ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है कि लाइन एडजॉइनिंग द इंटरसेक्शन ऑफ क्रॉस हेयर कॉमा ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड इट्स कंटिन्यूएशन, इसका मतलब ये है कि देखो अगर हमारी टेलीस्कोप की मैं अगर डायग्राम बनाऊं छोटा सा, तो आप देखें जरा, मैं टेलीस्कोप का यहां पर डायग्राम बना रहा हूं, तो ये हमारी क्या है, टेलीस्कोप का मैंने यहां पर डायग्राम बनाने की कोशिश की है। तो टेलीस्कोप हमारा डायग्राम कैसा होता है, ये इस तरीके की हमारी टेलीस्कोप होती है। बाकी मैंने लेक्चर में तो अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया ही हुआ है, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। ये हमारी टेलीस्कोप होती है, ये हमारी रैम्सडन आईपीस होता है, यहाँ पर हमारा डायफ्राम होता है। अब देखें जरा, ध्यान से देखेंगे। अब इसमें आप देखें, मैं एक अलग कलर यूज कर रहा हूँ इसके लिए, ठीक है। देखें जरा ध्यान से, अगर हम बात करें लाइन, इसने जो बोला है ऑप्शन ए में बोला है कि लाइन और जानी इंटरसेक्शन ऑफ क्रॉस हेयर, क्रॉस हेयर कहाँ है हमारा, यहाँ पर। तो लाइन जो ऐसी रेखा जो हमारी एक इंटरसेक्ट क्रॉस हेयर के इंटरसेक्शन करते हुए और जो ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट लेंस, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर अगर मान लें, तो इस लाइन को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए वाला जो इसी लाइन को हम क्या कहते हैं, लाइन ऑफ कॉलिमेशन कहते हैं, एल सी कहते हैं। तो अब आपको क्लियर हुआ कि अगर हमारी जो टेलीस्कोप है उसकी इंटरसेक्शन, क्रॉस हेयर के इंटरसेक्शन और ऑप्टिकल सेंटर के इंटरसेक्शन पर जो हमारी जो कंटिन्यूएशन जो लाइन रहती है, यानी ऑब्जेक्ट लेंस का ऑप्टिकल सेंटर होना चाहिए और जो हमारा क्रॉस हेयर है उसका हमारा सेंटर होना चाहिए, तो इंटरसेक्शन क्रॉस हेयर होना चाहिए, तो उनसे जाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, लाइन ऑफ कॉलिमेशन कहते हैं। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी के बारे में। तो देखो, जो ऑप्शन में हमसे पूछा था कि लाइन ऑफ कॉलिमेशन इज डिफाइंड एज, तो हमारा ये तो सही हो गया कि ऑप्शन ए सही है। लेकिन अगर हम बात करें ऑप्शन बी के बारे में, तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं ऑप्शन बी के बारे में। तो देखें, ऑप्शन बी के बारे में आपको क्या याद रखना है, अगर हम ऑप्शन बी के बारे में यहां पर देखें तो इसके बारे में हम क्या सीख सकते हैं। तो इसमें बोला गया है कि लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ आईपीस एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट लेंस, यानी कि जो हमारा ऑब्जेक्ट लेंस है, अभी हमने जो टेलीस्कोप बनाई थी उस टेलीस्कोप में हमने क्या देखा, ये हमारा ऑब्जेक्ट लेंस है ये मान लो, और ये हमारी आईपीस है। तो अब बोल रहा है कि आईपीस के, अब क्या बोला हमसे, कि आईपीस के सेंटर से और ऑब्जेक्ट लेंस के सेंटर तक जाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप। इसको क्या कहते हैं, हम एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप के नाम से इसे हम जानते हैं। तो देखो, अब आपको एक एक चीज़ क्लियर हो गई। देखो, पढ़ाई आपको इसी तरीके से करनी है, आपका मिनिमम एफर्ट पर मैक्सिमम नॉलेज आपको लेनी है। तो अगर हम ऑप्शन कर ही रहे हैं तो क्यों ना हम चारों क्वेश्चंस का ऑप्शन देखें और सभी में हम ये पाएं कि हम किस तरीके से एक क्वेश्चन को चार क्वेश्चंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि हमसे एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप के बारे में कभी पूछ ले। चलो, अब हमने इसके बारे में देख लिया, अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन सी के बारे में। ऑप्शन सी क्या कहता है, तो ऑप्शन सी हमसे कहता है कि लाइन टेंजेंशियल टू द लॉन्गिट्यूडनल कर्व ऑफ द बबल ट्यूब एट इट्स मिड पॉइंट। बोला गया है कि जो हमारी बबल ट्यूब लगी रहती है, इसके मिड पॉइंट से अगर कोई एक स्पर्श रेखा, यानी कि एक टेंजेंशियल लाइन अगर जाती है यहां से, तो इसे आप क्या कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब। इसे क्या कहते हैं, हम एक्सिस ऑफ बबल, इसका नाम होगा हमारा एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब। तो देखें जरा, यहां से आपको समझ में आया, ये हमारे तीन ऑप्शन थे, तीन हमने तीनों पॉइंट पर हमने डिस्कस किया।
तो अब ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी बबल ट्यूब के हाईएस्ट पॉइंट से, जो हमारा हाईएस्ट पॉइंट यहाँ पर है, इस पॉइंट से होते हुए जाने वाली एक टेंजेंट लाइन, एक स्पर्श रेखा हमारी क्या कहलाती है, एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब कहलाती है। चलिए हमने इसके बारे में बात कर ली। चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है कि लाइन इंक्लाइंड लाइन ऑफ साइट, ये कह रहा है कि जो लाइन ऑफ कॉलिमेशन होती है वो इंक्लाइंड लाइन ऑफ साइट होती है। ऐसा तो हमने कभी नहीं सुना। तो इसका ओवरऑल हमारा ऑप्शन कौन सा सही है इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो हमारा ए ऑप्शन सही हुआ। और बाकी हमने तीनों के बारे में एक्सप्लेनेशन ले लिया है कि इसके बारे में हम क्या क्या जान सकते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अच्छा एक बार मैं चैट बॉक्स और ओपन कर रहा हूं, अब आप मुझे बताइए। बिल्कुल बोथ आर करेक्ट। अभी आप किस क्वेश्चन पर हैं? चलिए आगे आगे बढ़ते हैं, आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। थैंक यू वेस्ट बंगाल से नंदा दास, थैंक यू नंदा दास। चलिए अच्छा मुझे एक बात बताइए, स्क्रीन और साउंड आपको परफेक्ट मिल रहा है? वीडियो कंटिन्यू आ रही है या नहीं आ रही है? मतलब नेट प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, मतलब रुक रुक के तो नहीं आ रही वीडियो? मुझे आप इतना बताओ कि वीडियो रुक रुक के तो नहीं आ रही है, लगातार आ रही है? हाँ बताओ महबूब हुसैन बताओ। तो अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो सही चल रहा है वीडियो? ठीक है चलो ठीक है ओके। आवाज सही आ रही है? आवाज सही? सौराष्ट्र से गगिया हितेश, नमस्कार नमस्कार। सही आ रहा? अच्छा ठीक है चलो अगला सही आ रहा है तो फिर अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन में देखें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है। अगला क्वेश्चन है इन एन एक्सटर्नल लिंक, इन एन एक्सटर्नल फॉक्सिंग टेलीस्कोप द फॉक्सिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव इज अचीव्ड बाय। हमसे बोला गया है कि जो हम ऑब्जेक्ट की फॉक्सिंग करते हैं एक्सटर्नल फॉक्सिंग टेलीस्कोप में, वो हम कैसे करते थे? तो मैंने आपको बताया था, ध्यान से समझेंगे इसको अब एक बार, इसको हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मैंने आपको बताया था कि हमारी जो टेलीस्कोप होती है वो टेलीस्कोप हमारी दो तरीके की होती है, एक तो हमारी इंटरनल और एक हमारी एक्सटर्नल। एक हमारी इंटरनल होती है, एक हमारी एक्सटर्नल होती है। तो एक्सटर्नल टेलीस्कोप वो होती हैं जिनका फॉक्सिंग स्क्रू चलाने पर उनकी लंबाई बढ़ती है या घटती है, तो उन्हें एक्सटर्नल फॉक्सिंग टेलीस्कोप कहते हैं। जबकि इंटरनल फॉक्सिंग टेलीस्कोप ऐसी टेलीस्कोप होती हैं जिनकी फॉक्सिंग स्क्रू चलाने पर जिनकी लंबाई में कोई भी अंतर नहीं आता है। तो अब हमसे बोला गया है इसमें एक्सटर्नल फॉक्सिंग टेलीस्कोप। तो अगर एक्सटर्नल फॉक्सिंग टेलीस्कोप को अगर हम देखें तो हमारी कुछ इस तरीके की वो होती है, यानी इस टेलीस्कोप में अलग से एक ऊपर हमारी ट्यूब रहती है और ऐसी होती है हमारी एक्सटर्नल फॉक्सिंग टेलीस्कोप, और ऐसे इसमें हमारा ऑब्जेक्ट लेंस लगा रहता है। अब ये जो यहाँ पर हमारा एक फॉक्सिंग स्क्रू रहता है, इस फॉक्सिंग स्क्रू को अगर हम चलाएंगे तो हमारी ये जो टेलीस्कोप है वो फॉरवर्ड या बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है। तो अब जाहिर सी बात है कि अगर हम इसकी फॉक्सिंग करना चाहते हैं, अगर मान लीजिए कि अगर यहाँ पर आगे कोई एक टारगेट खड़ा हुआ है, कोई स्टाफ है या कोई ऑब्जेक्ट है, अगर इसको हम क्लियर देखना चाहते हैं, यही हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, तो इसके अगर हम क्लियर देखना चाहते हैं तो हमें क्या करना होता है, जो हमारा ये ऑब्जेक्ट लेंस है, इस ऑब्जेक्ट लेंस को ही हमें क्या करना पड़ता है, आगे पीछे यानी फॉरवर्ड या बैकवर्ड डायरेक्शन मूव कराना होता है, और किससे, फॉक्सिंग स्क्रू से। तो अब इसमें देखें, इतना तो इसका हो गया एक्सप्लेनेशन। अब हम बात अगर करें ऑप्शन ए के बारे में, तो ऑप्शन ए के बारे में हमारा क्या है, मूवमेंट ऑफ ए नेगेटिव कॉनकेव लेंस। बोला गया है कि कॉनकेव लेंस के, यानी कोई नेगेटिव कॉनकेव लेंस है उसके मूवमेंट से। तो ऐसा तो नहीं है कि कॉनकेव लेंस के नेगेटिव मूवमेंट, पहली बात तो हमारा इसके ऑब्जेक्ट लेंस में कॉनकेव लेंस हमारा होता ही नहीं है, तो इसको हम कहेंगे ऑप्शन ए तो हमारा गलत हो गया। ऑप्शन बी कह रहा है बाई मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, तो हाँ ये ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट लेंस है यही वाला, इसको अगर हम फॉरवर्ड या बैकवर्ड डायरेक्शन मूव कराएं तब हमें इसकी फॉक्सिंग देखने को मिलती है। तो इसमें आप कौन सा ऑप्शन लगाएंगे, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो ये आपको समझ में आ गया होगा या नहीं बताइए।
ऑप्शन बी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग रामाशीष प्रजापति, गुड इवनिंग, सब ठीक है, गुड, कोई गुड आफ्टरनून, कोई गुड इवनिंग, कोई बात नहीं, देखें, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, क्लियर है, चलो अब आगे स्टार्ट करते हैं। अच्छा ये बताइए, वीडियो कंटिन्यू दिखाई दे रही है, सही सही आवाज़ क्लियर आ रही है, क्लियर, ठीक है, चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन हम देख, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, द डायफ्राम ऑफ सर्वेइंग टेलीस्कोप इज हेल्ड, कि जो डायफ्राम है हमारा टेलीस्कोप में वो कहाँ पर होता है, तो उसके लिए तो हम एक डायफ्राम डायग्राम बना ही लेते हैं। तो डायग्राम हमारा देखें, टेलीस्कोप का हमारा डायग्राम कुछ इस तरीके का हो देखने को हमें मिलता है। तो टेलीस्कोप का हमारा डायग्राम कुछ इस तरीके मैंने यहाँ पर जो बनाया है, यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट लेंस होता है, यहाँ पर हमारा आई पीस होता है जिसे हम रैम्पडन आई पीस कहते हैं, इसमें हमारे दो लेंस लगे रहते हैं, और हमारा डायफ्राम जो होता है वो कुछ यहाँ पर होता है, ये वाला डायफ्राम जिस लाइन में मैं लाइन खींच रहा हूँ, ये वर्टिकल, ये हमारा क्या है, डायफ्राम है, यही हमारा क्या है, डायफ्राम। तो अब आप खुद सोच के देखिए डायफ्राम कहाँ पर है, तो हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट लेंस से दूर होता है और आई पीस के पास होता है। तो आपको ऑप्शन में कभी ये भी देखने को मिल सकता है कि ये हमारा टेलीस्कोप के मिड में होता है, तो नहीं, ऑप्शन गलत होगा। ऑब्जेक्ट लेंस के पास होता है, ये भी हमारा गलत होगा। आई पीस के पास होता है, ये भी हमारा गलत होगा। तो ओवरऑल हम ये कहेंगे कि जो डायफ्राम है, डायफ्राम क्या होता है हमारा, इस तरीके का हमारा एक इमेज दिखाई देती है जिससे हम सारे ही ऑपरेशन को अंजाम देते हैं, चाहे वो स्टाफ रीडिंग से लेकर कोई भी हो। तो इसमें अगर हमारे टोटल वायर की बात करता है, तो हमारे एक कितने, हमारे टोटल हॉरिजॉन्टल वायर कितने हैं, 1, 2, 3 हॉरिजॉन्टल वायर होते हैं, एक वर्टिकल वायर होता है। तो इसमें आप ये कहेंगे कि डायफ्राम ऑफ सर्वेइंग टेलीस्कोप इज हेल्ड इनसाइड द आईपीस, गलत, आईपीस के इनसाइड नहीं होता। इनसाइड द ऑब्जेक्ट, नहीं, आइदर ए और बी, ये भी नहीं है, जब ऊपर वाला ही नहीं है तो ए और बी कैसे हो सकता है। तो अब हमारा होगा इनसाइड द टेलीस्कोप, यानी टेलीस्कोप के अंदर नियर द आईपीस, तो हमारा चौथा ऑप्शन कैसा है, सही है। चलो अब आपको कुछ डायफ्राम के बारे में कुछ और अच्छी बातें बता देते हैं। देखिए डायफ्राम में जो हमारा ये वर्टिकल हेयर है, इसका काम क्या है, यानी जो मैंने वर्टिकल हेयर पर मैं अलग कलर यूज करता हूँ, आप देखें जो वर्टिकल हेयर है हमारा ये वाला, इसका काम क्या है, इसका काम होता है कि किसी भी स्टाफ को, किसी भी स्टाफ की वर्टिकलिटी चेक करने का काम करता है, यानी स्टाफ हमारा सीधा स्ट्रेट वर्टिकल डायरेक्शन में है या नहीं है उसके लिए चेक करता है। अब बात करें अगर हम हॉरिजॉन्टल हेयर की, यानी हॉरिजॉन्टल वायर की बात करें, दूसरा वाला ये वाला देखें, जो हॉरिजॉन्टल वायर है ये हमारा क्या करता है, स्टाफ रीडिंग पढ़ने का काम करता है। जो हमारे क्रॉस, जो हमारे स्टेडिया वायर है, ये हमारा अपर स्टेडिया है, ये हमारा लोअर स्टेडिया है। तो अपर स्टेडिया और लोअर स्टेडिया काम क्या होता है, ये हमारा काम करते हैं कि अगर हम टेलीस्कोप से कभी भी स्टाफ तक की, टारगेट तक की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पता करना चाहते हैं डी, तो उस केस में हमारे ये स्टेडिया वायर भी यूज होते हैं। तो अभी क्वेश्चन आएगा तो उसका एक्सप्लेनेशन भी आपको हम देंगे। चलिए तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी ठीक है। आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पर, तो देखें बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, फिक्स्ड पॉइंट ऑफ, आज की हमारी फर्स्ट क्लास है इसलिए हमने यहाँ पर कुछ ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिए हुए हैं, टफ भी हैं आसान भी हैं, सभी का कॉम्बिनेशन है, आपको ध्यान से आपको क्वेश्चन करने हैं। ए फिक्स्ड पॉइंट ऑफ रिफरेंस व्हिच एलिवेशन इज नोन, तो अब आप देखिए ये चीज़ बताइए आपका साथ के साथ में रिविजन हो रहा है या नहीं हो रहा है, आपका रिविजन भी हो रहा है या नहीं, हाँ आपका रिवीजन भी हो रहा पूरा, जब मैं इसके क्वेश्चंस करा रहा हूँ तो मैं आपको इस तरीके से करा रहा हूँ कि आपकी पूरी सर्वे है वो पूरी रिवीजन में बनी रहेगी, पूरी रिवीजन बनी रहेगी। चलिए अब आगे बात करते हैं हम इस क्वेश्चन के बारे में, तो बोला गया है फिक्स्ड पॉइंट ऑफ रेफरेंस हुज एलिवेशन इज नोन, तो यानी कि एक ऐसा बिंदु जिसकी ऊंचाई, मान लो हमारा ये मीन सी लेवल है, जैसे कि मैं आपको बताऊं यहाँ पर मान लीजिए हमारा मीन सी लेवल है और यहाँ पर कोई एक पॉइंट है, अब इस पॉइंट पर इसका एलिवेशन हमें हाइट जो है पहले से पता है, तो नोन एलिवेशन का पॉइंट हमारा क्या कहलाता है, बेंचमार्क कहलाता है। तो ये तो आपको पता ही होगा, ऑप्शन बी सही है। चलिए चेंज पॉइंट के बारे में कोई मैं आपको बताता हूँ चेंज पॉइंट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग बात है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन तो लगाना ठीक है, अच्छी बात है हमने ऑप्शन लगाया, पर हमें और भी उसके बारे में आगे की चीज़ें भी हमें पता करनी होगी। तो देखें जरा यहां पर, अब मैं आपको चेंज पॉइंट के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें यहां पर बताता हूं। तो देखें
चेंज पॉइंट के बारे में आप तो ये समझिए कि सपोज करो ये हमारा कोई बेंचमार्क है, यहाँ पर हमने लेवलिंग स्टाफ रखा, ये हमारी कोई ऐसे ज़मीन है और हमने यहाँ पर टेलीस्कोप रखी हुई है और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सर्वे करते हुए जा रहे हैं इस तरीके से, और हमने यहाँ स्टाफ रखा, यहाँ स्टाफ रखा, लेकिन हम इस स्टाफ की रीडिंग लेने के बाद हमें चेंज करना है। तो कभी कभी क्या होता है, हमसे बोलता है कि चेंज पॉइंट हमारा ये वाला है। ऐसा नहीं होता कि चेंज पॉइंट एक इंस्ट्रूमेंट स्टेशन नहीं होता है, आपको ये याद रखना है। तो मैंने जो अभी आपको यहाँ पर सीपी लिखा हुआ है इंस्ट्रूमेंट स्टेट के नीचे, ये हमारा क्या है, गलत है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट जहाँ रखा होता है वो, क्योंकि देखो अब इस स्टाफ की रीडिंग लेने के बाद हम क्या कर देंगे, मशीन को उठा के आगे ले आएंगे। तो इसका मतलब ये कभी हम ये समझ लें कि हमारा जहाँ इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ ये चेंज पॉइंट है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो चेंज पॉइंट हमारा कौन सा होता है उसको समझो, चेंज पॉइंट वो होता है जहाँ पर हमारा स्टाफ रखा होता है और जिसकी रीडिंग लेने के बाद हम मशीन को चेंज करके आगे ले आते हैं। तो अब आपको समझना है कि चेंज पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर हमने स्टाफ रखा हुआ है और जिस स्टाफ की रीडिंग लेने के बाद हमने मशीन को चेंज कर दिया है। क्लियर यहां तक? तो ये हमारा क्या है, चेंज पॉइंट कहलाता है। इसको हम टीपी यानी कि टर्निंग पॉइंट भी के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपको याद रखना है। अब आगे बात करते हैं स्टेशन कौन से होते हैं। तो डी ऑप्शन में हमारा स्टेशन, स्टेशन वो होते हैं जहां हम स्टाफ रखते हैं, ना कि हम मशीन रखते हैं। रिड्यूस लेवल क्या होता है उसके बारे में हम समझ लेते हैं। रिड्यूस लेवल के अगर बारे में बात करें तो सपोज कीजिए कि हमें यहाँ पर हमारी मशीन रखी हुई है और यहाँ हमारा बेंचमार्क है और ये हमारा मीन सी लेवल है, इसका एलिवेशन पता है, यहाँ पर हमने बीएस ली। अगर हमें इस पॉइंट का आरएल पता करना है तो समुतल से ऊंचाई ज्ञात करना किसी पॉइंट की, तो यानी कि ऐसा पॉइंट जिसकी हमें समुद्र तल से यानी कि मीन सी लेवल से हमें उसका एलिवेशन यानी कि हाइट हमें पता करनी है, तो वो हाइट ही हमारी क्या कहलाती है, किसी भी पॉइंट का आरएल कहलाती है। चलिए चारों पॉइंट के बारे में बात हो गई, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टाफ रीडिंग ओवर ए स्टेशन यानी हमारी किसी स्टेशन के ऊपर ऐसी रीडिंग हुज एलिवेशन इज नोन इज, यानी हुज एलिवेशन हमें पहले से पता है। ध्यान देंगे जरा, यहाँ पर आपको फोर साइड भाई क्वेश्चन आसान है, लेकिन हम जो एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं वो क्वेश्चन को बहुत ही अच्छा बनाता है, उसके बारे में आपको समझना है। तो देखें जरा, ये बोला कि स्टाफ रीडिंग ओवर ए स्टेशन यानी एक स्टेशन के ऊपर अगर हमारी कोई रीडिंग है हुज एलिवेशन इज नोन, जिसका एलिवेशन हमें पता है, यानी कि वही, अब जिसका एलिवेशन पता होता है पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा वो क्या होता है, बेंचमार्क। चलिए बेंचमार्क तो ये हो गया और हमने इस तरीके से मशीन यहाँ पर रखी हुई है और यहाँ पर हमने स्टाफ रखा और इसकी रीडिंग को हमने पढ़ा। क्लियर? तो ये रीडिंग हम जानते हैं क्या होती है, बैक साइड हमारी कहलाती है। अच्छा अब देखें जरा, यहाँ पर बैक साइड के बारे में कुछ आप अच्छी अच्छी बातें समझिए कि बैक साइड हमारी एक ऐसी साइड है जिसे हम फर्स्ट साइड भी कहते हैं। तो पहला पॉइंट तो ये हुआ कि बैक साइड हमारी क्या है, फर्स्ट साइड कहलाती है। दूसरा, इसको हम पॉजिटिव साइड भी कहते हैं, यानी कि अब आप देखिए यहाँ पर दो पॉइंट आपके निकल के आए कि बैक साइड एक ऐसी साइड है जो हमारी फर्स्ट साइड भी है और उसे हम पॉजिटिव साइड भी कहते हैं। आगे देखें, अगर हम FS के बारे में बात करें यानी फॉरसाइट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसको हम अलग कलर से एक्सप्लेन करेंगे। देखो अगर हम फॉरसाइट के बारे में बात करें तो फॉरसाइट एक हमारी लास्ट साइड कहलाती है, लास्ट साइड कहते हैं और ये हमारी नेगेटिव साइड होती है। अच्छा अब आपके दिमाग में ये बात जरूर आ रही होगी कि इसको हम पॉजिटिव साइड या फॉरसाइट को हम नेगेटिव साइड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि बैक साइड हमारी जो होती है वो पॉजिटिव साइड होती है जबकि हमारी फॉरसाइट जो होती है वो नेगेटिव साइड होती है। तो ध्यान दें, अगर आप कभी भी RL फाइंड करते हैं तो आप क्या करते हैं, HI में से हमेशा ही आप नेगेटिव करते हैं FS को, जिसकी वजह से इसे हमेशा से नेगेटिव होने की वजह से इसको हम नेगेटिव साइड के नाम से जानते हैं। लेकिन अगर हम बात करें बैक साइड के बारे में तो बैक साइड में देखें, जब भी आप HI प्राप्त करते हैं यानी कि आप हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट पता करते हैं तब आप क्या करते हैं, हमेशा बेंच मार्क में जो हमारा बेंच मार्क है उसमें हमेशा क्या करते हैं, हम बैक साइड को जोड़ देते हैं। तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव साइड भी कहते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं इसको फर्स्ट साइड क्यों बोला, क्योंकि सर्वे जब हम एक बार मशीन रख देते हैं तो मशीन की एक बार की स्थापना पर सबसे पहले रीडिंग बैक साइड ली आती है और सबसे लास्ट में हमारी रीडिंग फॉर साइड ली आती है। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन था। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखें जरा अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, कर्वेचर ड्यू टू रिफ्रैक्शन इज गिवन बाई। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इससे जुड़े हुए मैं आपको बहुत सारे इसके और भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा। तो इस पॉइंट को हमें अच्छी तरीके से ध्यान से समझना है।
सभी स्टूडेंट जरा एक बार बताइए कुछ इसमें प्रॉब्लम। सभी को दिखाई दे रहा है? सभी को दिखाई दे रहा है और वीडियो आवाज़ क्लियर आ रही है? जरा मुझे वीडियो और इसके बारे में बता दो एक बार। मैं अभी देख रहा हूँ आपकी चैट देख रहा हूँ। ऑप्शन ए ठीक है, अच्छा ठीक है, ऑप्शन ए बहुत गुड, अच्छा बहुत अच्छा। हम इसके बारे में और भी अच्छी अच्छी मतलब इसके बारे में हम पॉइंट आउट करेंगे कि और हमारे क्या पॉइंट इसके अंदर हमें अच्छे देखने को मिल सकते हैं। तो उम्मीद है कि मैं आपको जो पॉइंट्स बताऊंगा वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। मुझे एक बार स्क्रीन और आवाज़ के बारे में बता दो। सभी लोग जरा कमेंट करके एक बार ये बता दो कि स्क्रीन और आवाज़। चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं हम अब इसमें देखें, मैं आपको बताऊं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें इस क्वेश्चन से रिलेटेड हमारी बहुत ज़्यादा हम जानकारी ले सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि हमारी जो लेबलिंग में एरर्स होती हैं वो हमारी दो तरह की हमारी मेजर एरर्स हमारी इसमें हमें देखने को मिल सकती हैं। सबसे पहली हमारी है एरर ड्यू टू कर्वेचर। ध्यान देना जरा इसमें मैं आपको एक देखो आंसर इसको मैं लगाने आंसर हम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर तीन ऑप्शन है, ऑप्शन ए बी सी तीनों के बारे में हमें अच्छी तरीके से इसमें हमें डिस्कस करना है और उसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट जानकारियाँ लेनी है। तो ध्यान, पृथ्वी की अगर हम बात करें तो अर्थ हमारा कैसा है? कर्वेचर फॉर्म में होता है। अर्थ हमारा कैसा है? कर्वेचर फॉर्म में है। और जब हम कोई लेवल मशीन को हम किसी भी अर्थ के किसी भी पॉइंट पर हम रखते हैं और उससे आगे अगर हम स्टाफ रखते हैं, अगर हम आगे स्टाफ यहाँ पर स्टाफ हम रखें तो आप जानते हैं कि स्टाफ हमेशा ज़मीन से कितना डिग्री का एंगल बनाता है? 90 डिग्री का। तो ये जो एंगल है 90 डिग्री का, क्योंकि ज़मीन से हम स्टाफ वर्टिकली तो रखेंगे। तो अब देखें यहाँ से, यानी जो मशीन से, ध्यान समझना, मैं यहाँ पर जो समझाना चाह रहा हूँ वो आप तक पहुँचना चाहिए कि यहाँ से अगर हम इस लाइन को सीधा देखें अगर हम, तो लाइन हमारी जो लाइन ऑफ साइट है LS, जो लाइन ऑफ साइट है हमारी सीधी जाती है, एकदम हॉरिजॉन्टल आप जाती है। ये आप अच्छी तरह से जानते हैं, इस तरीके से हमें लाइन ऑफ साइट देखने को यहाँ पर मिलती है सीधे। लेकिन देखो अगर यहाँ पर आप ये देखें कि जबकि हमारी जो लाइन है जो इंस्ट्रूमेंट से निकलनी चाहिए थी, रेखा वो हमारी कैसे निकलनी चाहिए थी, हमारी ऐसे लेवल लाइन निकलनी चाहिए थी, यानी हमारी इस कर्वेचर फॉर्म में आनी चाहिए थी, तब हम पृथ्वी के, अब आप देखो, अब आप कह रहे होंगे कि सर ऐसा क्यों होना चाहिए था, वो भी आप बताइए। तो उसके लिए देखेगा ध्यान से, आप ये समझ करो यहाँ पर एक व्यक्ति है जिसकी हाइट 2 मीटर है, ठीक है, ये एक व्यक्ति है जिसकी हाइट 2 मीटर है। अब पृथ्वी के इस पॉइंट पर वो खड़ा हुआ है तो उसकी हाइट इस मशीन ने 2 मीटर बताई। तो अगर पृथ्वी के अगर इस पॉइंट पर खड़ा हो जाए, क्या उसकी हाइट 2 मीटर से कम या 2 मीटर के ज़्यादा हो जाएगी? ऐसा नहीं होगा ना। तो लेकिन ये मशीन तो कुछ ऐसा ही बताती है कि जैसे जैसे आप जितनी दूरी आगे तक चलते जाएंगे वैसे वैसे हमें उसकी एक्यूरेसी में, यानी उसकी जो हाइट में हमें अंतर पता चलता जाएगा। ऐसा क्यों होता है उसको हम समझ रहे हैं। तो उसको अगर मैं आपको बात करूं, क्योंकि हमारी लेवल से, लेवल मशीन से एक हॉरिजॉन्टल लाइन निकलती है जबकि यहाँ से हमें एक कर्वेचर लाइन निकलनी चाहिए थी। तो अगर ऐसी लाइन निकलती तो अगर ये व्यक्ति 2 मीटर का इस पॉइंट पर था तो 2 मीटर का इस पॉइंट पर भी होता, लेकिन ऐसा हमें लेवल मशीन नहीं करती है। तो इस वजह से जो ये एरर आपको दिखाई दे रही है इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की जो एरर आपको दिखाई दे रही है, यही एरर हमारी एरर ड्यू टू कर्वेचर कहलाती है। अगर हम इस एरर की बात करें, ध्यान देना जरा, मैं एरर बात कर रहा हूँ कैसी, एरर ड्यू टू कर्वेचर, तो वो ये एरर हमारी कितनी होती है ध्यान से समझिएगा जरा। पॉजिटिव, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, करेक्शन की नहीं, मैं बात कर रहा हूँ एरर की। एरर कैसी होती है? तो एरर हमारी होती है पॉजिटिव डी स्क्वायर अपॉन 2R, ये हमारी पॉजिटिव एरर है। किसकी? एरर ड्यू टू कर्वेचर, ईसी का मतलब। और इसको जब हम आगे कैलकुलेट करते हैं पृथ्वी की रेडियस वगैरह की जब वैल्यू हम पुट करते हैं तो ये आती हमारी पॉजिटिव डी 0.0785 d² ये हमारी वैल्यू निकल के आती है। कौन सी? एरर ड्यू टू कर्वेचर। अच्छा, ये हमारी एरर हो गई। ये दो फॉर्म में मैंने आपको बताई, एक तो हमारी डी स्क्वायर अपन 2R की फॉर्म में, एक हमने बताई इसको डायरेक्ट फॉर्म में। लेकिन अगर बात करें कभी कोई इस एरर को हमने पॉजिटिव क्यों कहा, तो पॉजिटिव इसलिए कहा है, जरा एक बार स्टाफ पर फिर दोबारा से पहुंच जाएं, स्टाफ पर देखा जरा, ये जो हमारी वैल्यू इतनी पढ़नी चाहिए थी, स्टाफ पर रीडिंग इतनी आनी चाहिए थी, लेकिन स्टाफ पर रीडिंग हमारी
इतनी आनी चाहिए थी, इतनी स्टाफ पर रीडिंग आनी चाहिए, लेकिन स्टाफ पर रीडिंग इतनी एक्स्ट्रा पड़ी है। तो जब भी कभी हम एक्स्ट्रा रीडिंग पढ़ते हैं यानी ज़्यादा रीडिंग पढ़ते हैं तो हमारी एरर पॉजिटिव होती है और करेक्शन नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर हमारा कर्वेचर, अगर हम कर्वेचर करेक्शन की अगर हम बात करें सी सी, तो वो हमारा होगा नेगेटिव, क्योंकि एरर पॉजिटिव है तो करेक्शन हमारा नेगेटिव डी स्क्वायर अपॉन 2R होगा। और अगर इसमें बात करें, इसकी फॉर्म में बात करें, तो सी सी बराबर हमारा होगा 0.0785 डी स्क्वायर, ये हमारी एरर होगी। कैसे? नेगेटिव साइन लगाएंगे इसके ऊपर। तो ये तो हुई बात हमारी कर्वेचर एरर के बारे में। इसी तरीके से अगर हम बात करें रिफ्रैक्शन के बारे में, तो देखें जब भी अगर आपसे पूछा जाता, जब भी आपसे पूछा जाता कि आप बताइए इसमें कि हमारी करेक्शन फॉर कर्वेचर के बारे में होता, तो आपको मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं रिफ्रैक्शन के बारे में। देखिए रिफ्रैक्शन के बारे में फिर दोबारा से आप अर्थ ले लो। तो अब आप देखें रिफ्रैक्शन के बारे में अगर हम बात करें, तो अगर हमारा स्टाफ एक बार यहाँ रखा हुआ है, एक बार यहाँ रखा हुआ है 90 डिग्री पर, इस तरीके से रखा हुआ है, तो यहाँ से जो हमारी लाइन ऑफ साइट निकलेगी तो वो हमारी हॉरिजॉन्टल निकलेगी। लेकिन देखें कि लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल एकदम, अब देखो ये दो बातें अलग अलग हैं कर्वेचर की रिफ्रैक्शन की। जो मैंने पहले बताया उसको डाटा को कॉपी पेस्ट करके अपने दिमाग में इंस्टॉल कर लो, उसे कन्फ्यूज नहीं होना है। अब जो मैं बता रहा हूँ वो एकदम बिल्कुल अलग बात है। तो अब हमारी जो हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट मैंने जो ग्रीन कलर में आपको दिखाई है, ये एकदम एग्जैक्ट हॉरिजॉन्टल भी नहीं होती है, क्योंकि पृथ्वी की तरफ हम जितनी भी नज़दीक उसके तरफ आते जाते हैं, वैसे हमारी माध्यम की जो सघनता है यानी जो मीडियम की जो डेंसिटी है वो हमारी बढ़ती चली जाती है। तो इस वजह से हमारी जो लाइन है वो थोड़ी सी टिल्ट हो जाती है और हल्की सी एक एरर देती है रिफ्रैक्शन के कारण। तो ये जो एरर है हमारी कैसी होगी, ये हमारी एरर नेगेटिव नेचर की होती है। रिफ्रैक्शन एरर हमारी नेगेटिव नेचर की होती है और कितनी होती है, 1/7 डी स्क्वायर बट्टे 2R, ये ब्रैकेट में आपको लिखना है, यानी ब्रैकेट यहाँ पर आपको लगा लेना है। ये हमारी एरर है, एरर ड्यू टू किसकी वजह से, रिफ्रैक्शन एरर की वजह से। अगर इसका आप करेक्शन करेंगे, तो अगर आप इसका करेक्शन करेंगे तो करेक्शन ड्यू टू रिफ्रैक्शन एरर, तो उसका हमारा निकल के आएगा वो होगी हमारी +1/7 डी स्क्वायर अपॉन 2R, ये हमारी वैल्यू होगी इसके, किसकी, हमारी रिफ्रैक्शन एरर की। हमारी जो वैल्यू होगी वो हमारी नेगेटिव और पॉजिटिव में होगी। तो अब देखें ये तो हमने पढ़ी डी स्क्वायर के टर्म में, लेकिन अगर हम एग्जैक्ट वैल्यू के टर्म में पढ़ना चाहते हैं, तो यहाँ पर जब हम आर की वैल्यू रखते हैं तो उसका आंसर निकल के आता है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 0.011 डी स्क्वायर। ये वैल्यू हमारी निकल के आती है कब, जब हम रिफ्रैक्शन एरर के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर साइन दिया गया नहीं है तो साइन से मेरा कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको साइन भी याद रखना होगा। यानी ये कह सकते हैं हम ओवरऑल, एक बात हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी कर्वेचर एरर है, उस कर्वेचर एरर का 1/7 हिस्सा हमारी रिफ्रैक्शन एरर होती है। चलिए अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अच्छा, अब आती है कंबाइंड करेक्शन की बात। तो कंबाइंड करेक्शन में आप देखें, ये हमारी कर्वेचर करेक्शन की वैल्यू थी, ये हमारी रिफ्रैक्शन की वैल्यू थी, ये हमारा करेक्शन नेगेटिव था, ये करेक्शन हमारा पॉजिटिव था। जब आप माइनस कर देंगे तो कंबाइंड करेक्शन निकल के ये वाला आ जाता है। तो ओवरऑल उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार मैं सभी से पूछ लेता हूँ कि सभी को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, बताएं जरा एक बार। अच्छा, लिंक सभी को आपने शेयर नहीं किया है क्या? सभी लोग लिंक शेयर कर दें। बाकी देखो, मुझे बार बार ये कहने की पहले से ही हैबिट में नहीं हूँ मैं कि आप लाइक शेयर कमेंट करें। आप जानते हैं कि आपको ये सब, ये आपकी ड्यूटी है, आपको करना चाहिए। जितने भी आपके दोस्त फ्रेंड्स वगैरह सर्किल हैं उसमें आप जो कि लिंक को शेयर करें, उनको कोचिंग के बारे में बताएं, आपका चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, ये आपकी ड्यूटी है। मेरा काम है पढ़ाना सिर्फ, बाकी मैं अपनी ईमानदारी के साथ मैं यहाँ पर आपको डेली यहाँ पर आप लाइव क्लास देने की कोशिश करूँगा और उम्मीद है कि आपको डेली क्लास मिल जाएगी। अब ये क्लास आपकी बंद नहीं होगी, सभी का आपका चलता ही रहेगा हमेशा। बाकी टाइमिंग की बात तो ये है कि 4 से टाइमिंग थी इसकी, तो टाइमिंग अगर कभी चेंज होगी तो मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा। बाकी फ़िलहाल में तो आपको यही टाइमिंग है। सभी आपको समझ में, देखो आपके डाउट्स नहीं रहेंगे, मैं इतना कह सकता हूँ कि जब मैं आप पढ़ा रहा हूँ तो आई एम फ्रॉम हिमाचल, गोपाल चंबल, ठीक है हिमाचल से हो आप, चलो अच्छा है, बहुत बहुत दूर तक नेटवर्क चल रहा है हमारा, बहुत अच्छी बात है, आप लोगों का सहयोग है। चलिए आगे बात करते हैं।
आप अपनी जिम्मेदारी निभाएं, मैं अपना काम कर रहा हूँ बकायदा, लाइव शेयर कमेंट वगैरह आप करते रहें, बाकी अपने फ्रेंड्स को बताते रहें। चलिए, कम्बाइंड करेक्शन पॉजिटिव नेगेटिव होगी। देख, कम्बाइंड करेक्शन हमारी कैसी होगी, आप देखें, मैंने अभी आपको बताया था कम्बाइंड के बारे में, किसी ने पूछा है तो उसके बारे में थोड़ा सा एक बार हम बात कर लेते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि हमारी जो कर्वेचर एरर है वो कैसी है, हमारी कर्वेचर करेक्शन जो है, चलो आप समझ लें। देखें जरा यहाँ पर, मैं आप कमेंट बॉक्स पर ना ध्यान ना देके इधर ध्यान देता हूँ। देखें, अभी मैंने आपको बताया कि जो हमारा कर्वेचर करेक्शन है, कर्वेचर करेक्शन के बारे में मैंने आपको बात बताई, वो था हमारा नेगेटिव 0.0785 डी स्क्वायर, ये मैंने बताया आपको। और हमारा रिफ्रैक्शन की वजह से क्या था, रिफ्रैक्शन की वजह से हमारा जो था वो हमारा था पॉजिटिव करेक्शन, जो रिफ्रैक्शन की वजह से हमारा जो सी आर था वो हमारा कितना था पॉजिटिव 0.0112 डी स्क्वायर था। तो अब आप देखिए, ओवरऑल जब आप माइनस करके देखें किसकी वैल्यू बड़ी है हमारी, तो हमारी कर्वेचर की बड़ी है, तो कर्वेचर की बड़ी वैल्यू है तो वो नेगेटिव है, तो हमारा कैसा होगा कम्बाइंड करेक्शन नेगेटिव होगा। तो कम्बाइंड करेक्शन हमेशा हमारा कैसा होता है, नेगेटिव होता है। ये अब आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखें आप जरा ध्यान से। आप बोला गया पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट, यानी इसमें से हमें सही स्टेटमेंट निकालना है। और देखें, ये एक क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, उसको आप देखिए जरा ध्यान से क्या क्या बोला गया है इसमें। सबसे पहला हमारा ऑप्शन क्या कहता है कि इन लेबलिंग इफ बैक साइड इज लेस देन, ध्यान से समझिए जरा इस क्वेश्चन को, देखें क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि इन लेबलिंग इफ बैक साइड इज लेस देन फोर साइड द बैक स्टेशन इज लोअर देन द फोर साइड, ये बोल रहा है। देखें जरा ध्यान से, जैसा इन्होंने बोला है वैसा डायग्राम एक क्रिएट करके देखते हैं, डायग्राम बना के देखते हैं। इन्होंने एक बोला है कि यहाँ पर हमारी कोई जो बैक साइड है, ये हमारी कोई बैक साइड मान लेते हैं कि बैक साइड इज लेस देन, बैक साइड हमारी कम है, यानी बैक साइड की जो वैल्यू वो हमारी कम है, यानी इंस्ट्रूमेंट हमारा यहाँ पर रखा हुआ है और यहाँ पर हमारी बैक साइड चल रही है, तो बैक साइड हमारी कम है और फोर साइड देन द फोर साइड, यानी फोर साइड हमारी बड़ी है, यानी फोर साइड हमारा ऐसा है। तो इस तरीके का हो गया ये पॉइंट, हो गया नहीं हो गया, ये हमारी फोर साइड हो गई, ये हमारी एफ एस हो गई, ये हमारी बी एस हो गई। तो देखें जरा यहाँ पर बोल रहा है कि बैक साइड इज लेस देन द फोर साइड, बैक साइड की वैल्यू कम है और फोर साइड की वैल्यू ज़्यादा है, देन द बैक साइड इज लोअर देन द फोर साइड, तब कह रहा है कि बैक साइड वाला स्टेशन लोअर होगा, नहीं, ये तो ऊंचा स्टेशन है, देखें फोर साइड वाला स्टेशन हमारा नीचा पड़ रहा है, ये ऊंचा है, तो पहला ऑप्शन तो कैसा हो गया, गलत। अगला ऑप्शन में चलते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन चलते हैं बी में, पहला ऑप्शन हमारा गलत हो चुका है। बी ऑप्शन कह रहा है कि इन रेसिप्रोकल लेबलिंग द एरर ड्यू टू रिफ्रैक्शन इज एलिमिनेटेड, कह रहा है कि जो हमारा बी ऑप्शन है वो कह रहा है कि जो एरर ड्यू टू रिफ्रैक्शन, यानी कि रेसिप्रोकल लेबलिंग, अब आप जानते हैं रेसिप्रोकल लेबलिंग कौन सी होती है, एक ऐसी लेबलिंग जो तालाब, जब हम सर्वे करते करते किसी ऐसी स्थान पर आ जाते हैं जहां हमें किसी बाधा के रूप में तालाब वगैरह देखने को मिलता है, तो हम इंस्ट्रूमेंट को दो जगह रखते हैं, यहां पर भी और यहां पर भी, जब रख के सर्वे करते हैं आपसी रीडिंग लेकर, तो इस टाइप की लेबलिंग हमारी क्या कहलाती है, इस टाइप की लेबलिंग हमारी कहलाती है रेसिप्रोकल लेबलिंग। ध्यान रखेंगे आप एक बात यहां पर कि रेसिप्रोकल लेबलिंग में कर्वेचर एरर कंप्लीटली एलिमिनेट हो जाती है, एक पॉइंट आप ये लिखें, दूसरा लेकिन रिफ्रैक्शन एरर हमारी कंप्लीटली दूर नहीं हो पाती है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ऐसा क्यों, तो उसके लिए एक्सप्लेनेशन देखें, जरा ध्यान से देखेंगे इसको कि अब आप देखिए, जब हम सर्वे करते हैं किसी भी, मान लो एक कोई हमारा इस तरीके से कोई एक हमारा तालाब है और यहाँ पर हम लेबलिंग कर रहे हैं, यहाँ पर भी हमने इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है और यहाँ पर भी हमने इंस्ट्रूमेंट को रखा हुआ है। मैंने अभी आपको बताया था कि जो रिफ्रैक्शन एरर होती है वो हमारी पृथ्वी की जो आसपास की लेयर है उस पर डिपेंड करती है। तो देखो, पृथ्वी की ऊंचाई यहाँ हमारी कुछ और है, पृथ्वी की अर्थ की ऊंचाई इस लाइन ऑफ साइट की अर्थ से ऊंचाई कुछ और है, तो अर्थ की, जे मैंने आपको बताया जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते आते हैं वैसे वैसे हमारे माध्यम की सघनता कम हो जाती है, और जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आएंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वहाँ माध्यम की सघनता हमारी ज़्यादा होती चली जाएगी, तो लाइन ऑफ साइट पर उसका इफेक्ट पड़ता है। तो कर्वेचर एरर का तो हम ये कह सकते हैं, कर्वेचर एरर हमारी कंप्लीटली एलिमिनेट हो जाती है रिफ्रैक्शन रेसिप्रोकल लेबलिंग में, लेकिन रिफ्रैक्शन एरर हमारी कंप्लीटली रिमूव नहीं हो पाती है। तो ओवरऑल अब ये कहा कि हमने ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया, ऑप्शन नंबर बी भी हमारा क्या है, गलत है। आगे बात करते हैं, एट द चेंज पॉइंट इन द लेबलिंग टू बैक साइड इज टेकन, कह रहा है कि चेंज पॉइंट पर दो बैक साइड लेते हैं, ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि अगर हमारा कोई लेबल मशीन यहाँ रखी हुई है
और ये हमारा चेंज पॉइंट ही अगर हम मान लें इसको, तो एक बार हम फोर साइड ले सकते हैं इस साइड में, और जब मशीन को यहाँ रखेंगे तो एक बार बैक साइड लेंगे। चेंज पॉइंट तो हमारा ये वाला है, तो बैक साइड यहाँ पर ले ली। तो एक स्टेशन पर ये अगर कहता कि दो साइड ले लेते हैं तो ठीक होता, लेकिन बोल रहा है कि दो बैक साइड ले लेते हैं, ऐसा गलत है। तो इसका मतलब ये कहेंगे कि ऑप्शन नंबर हमारा 3B गलत है। ऑप्शन नंबर 3B यानी कि ऑप्शन नंबर सी भी हमारा कैसा हो गया, गलत हो गया। आगे हमारा द इफेक्ट ऑफ कर्वेचर इज कॉज द ऑब्जेक्ट साइड टू अपीयर लोअर देन द रियली आर। इसका मतलब ये है कि जो हमारा कर्वेचर इफेक्ट होता है उसमें हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है वो जितना वास्तविक स्थिति पे होना चाहिए उससे नीचा दिखाई देता है। समझते हैं इसको कैसे कह रहा है। ये देखें, मैंने अभी आपको बताया था कि हमने यहाँ पर स्टाफ रखा, हमने यहाँ पर मशीन रखी, और यहाँ पर हमने एक हमने स्टाफ रखा, और उसके बाद हमने स्टाफ रखने के बाद हमने क्या किया, यहाँ पर ये लाइन ऑफ साइट ऐसे हॉरिजॉन्टल चलनी चाहिए, लेकिन हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट ना जाकर वो कैसी जाती है, वो लाइन हमारी कुछ टिल्ट हो जाती है। तो अब आप मुझे एक बात जरा इतना बता दो सिर्फ कि रीडिंग स्टाफ पर हमने कौन सी पढ़ी है, ये वाली रीडिंग पढ़ी है ना स्टाफ पर। तो स्टाफ पर जब ज़्यादा रीडिंग पढ़ेंगे तो हमारी जो साइट का मान ज़्यादा होगा तो RL का मान कैसा आएगा। RL बराबर होता है, मान लो ये FSE है, SI माइनस FS। RL बराबर क्या होता है, इसको दोबारा से यहाँ लिखता हूँ, देखें ये रीडिंग हमने पढ़ी है। तो RL बराबर क्या होता है, RL बराबर होता है हमारा HI माइनस FS। अब आप मुझे ज़रा ये बता दो कि अगर हमारी रीडिंग ज़्यादा पड़ेगी, हमने रीडिंग ज़्यादा पढ़ रहा है मशीन, तो ज़्यादा रीडिंग पढ़ने पर RL कैसे आते हैं, कम आते हैं। तो RL कम का मतलब क्या है कि हमारा ग्राउंड में जितना पॉइंट दिखाई देना चाहिए था उससे लोअर दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी ठीक है। तो याद आपको ये भी रखना है कि जब कर्वेचर का इफेक्ट जब होता है तो हमारे जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो जितने रियल स्थिति में होनी चाहिए उससे निचले दिखाई देते हैं, लेकिन रिफ्रैक्शन एरर के केस में जितने वो वास्तविक स्थिति में होते हैं उससे हायर दिखाई देते हैं। ये भी एक आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से बन गया। चलिए समझ में आ गया होगा, आगे चलता हूँ नेक्स्ट पॉइंट पर। आगे हमारा क्या बोला गया है इसमें देखें, अगला क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया गया, एक न्यूमेरिकल वैल्यू हमें यहाँ पर दी गई है। तो देख न्यूमेरिकल वैल्यू हमें दी गई है इसमें, आगे देखते हैं इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू हमारी क्या क्या दी गई है और हम सॉल्व करते हैं। बहुत आसान है, बेंचमार्क हमें दे रखा है, देखें देखें बेंचमार्क को अगर आप देखें, ये हमारे कोई बेंचमार्क है, बेंचमार्क हमने यहाँ पर ली, बेंचमार्क हमें और यहाँ पर हमने इंस्ट्रूमेंट रख दिया, और बैक साइड हमने यहाँ पर पढ़ ली, और बैक साइड हमारी कितनी है, बेंचमार्क कितना है हमारा 100 है, और बैक साइड हमारी कितनी है 3.250 है। तो आप HI बताओ कितनी हो गई, HI बराबर हमारी हो गई, दोनों को जोड़ दो तो ये निकल के आ गई 103.25, ये हमारी आ गई। अब आगे कह रहा है कि अच्छा इसमें हमें गर्डर का ऑप्शन दे रखा है, आगे देखें तो हमें गर्डर के केस में क्या करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब गर्डर को अलग से हम बना लेते हैं, तो गर्डर हमारा इसमें यहाँ पर कोई गर्डर है और बोला गया है कि गर्डर पर जब स्टाफ को उल्टा लटकाया गया तो उसकी रीडिंग हमारी कितनी पड़ी है, 1.250 पड़ी है। तो देखें जरा हमारी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी समुद्र तल से लेके यहाँ तक हमारी कितनी हो गई है, 103.250। अब हमें गर्डर का RL बताना है, तो कैसे बताएंगे, यानी RL बताना है गर्डर के बॉटम का, तो आप 103.250 में क्या जोड़ दोगे, 1.250 जोड़ दोगे। तो आप जोड़ के देखो जरा कितना आ रहा है, यानी 1.25 हमने जब जोड़ के देखा तो ये वैल्यू हमारी आई 104.500, यानी कि ये हमारा ऑप्शन सी सही है इसमें, बस इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। जब भी गटर का केस होता है इन्वर्टेड स्टाफ होता है, और इन्वर्टेड स्टाफ के केस में हम क्या करते हैं, हाइट में ही हम वो वाला जोड़ देते हैं, क्योंकि हमें यहाँ तक पहुँचना है, समुद्र तल से यहाँ तक पहुँचना है, तो यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें सब कुछ जोड़ना पड़ेगा, सिंपल सी बात ही है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या चल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें से हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट हमारा क्या है इसमें। तो देखें जरा यहाँ पर, पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट इन असेंडिंग हिल, यहाँ देखें जरा यहाँ पर हमें बोला गया है कि असेंडिंग हिल यानी कोई पहाड़ी पर हम चढ़ते हुए जा रहे हैं इस तरीके से, बैक साइड हमारी यहाँ है,
द बैक साइड डिस्टेंस इज मोर देन ए फोर साइड डिस्टेंस. तो बोल रहा है कि अगर हम असेंडिंग हिल में यानी पहाड़ी पर चढ़ते हुए जा रहे हैं, अगर आपने मेरा लेक्चर देखा हो, एक प्रॉब्लम इन लेबलिंग्स मैंने एक लेक्चर बनाया था, उसमें मैंने इस बात का जिक्र भी किया था कि जब हम पहाड़ी पर चढ़ते चले जाते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, ट्राईपॉड को हम यहाँ रख लेते हैं. जब ट्राईपॉड को हमने यहाँ रखा तो अब आप देखिए, जरा ध्यान समझना कि अगर मैंने स्टाफ यहाँ रखा हुआ है तो होगा क्या, मैं स्टाफ जब इस रीडिंग पढ़ूंगा तो मैं स्टाफ की बॉटम की रीडिंग पढ़ पाऊँ. ये हमारी एफ एस है और ये हमारी क्या है, बी एस है. तो हो सकता है कि, हो सकता ये है इसमें कि हम अगर ये डिस्टेंस ज़्यादा रखेंगे, ये वाली डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो हम फोर साइड की रीडिंग पढ़ ही ना पाएं, क्योंकि आप देखें लाइन ऑफ साइट बिल्कुल पहाड़ी पर जाके टकरा जाएगी. तो क्या करना चाहिए हमें, हमें करना ये चाहिए कि इंस्ट्रूमेंट को हमें कहाँ सेट करना चाहिए, बैक साइड से थोड़ा दूर, यानी यहाँ करना चाहिए हमें इंस्ट्रूमेंट को सेट, बैक साइड से दूर करना चाहिए फोर साइड के पास, तब हमें ज़्यादा कंफर्टेबली सर्वे करते हैं. और असेंडिंग हिल में द बैक साइड डिस्टेंस इज मोर, यानी बैक साइड डिस्टेंस हमारी ये डिस्टेंस कैसी होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए देन द फोर साइड. तो ऑप्शन ए हमारा ठीक है. क्यों होनी चाहिए, मैंने आपको बताया कि अगर यहाँ मशीन रखी हुई है, नीचे की तरफ मशीन रखी हुई है, तो हो सकता है हम स्टाफ पर रीडिंग ना पढ़ पाएँ. और मैंने आपको बताया भी था कि जब हम असेंडिंग ऑर्डर में चलते हैं तो हमें, अब इसमें आपको और आगे भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो वहाँ पर मैं डिस्कस करूँगा कि असेंडिंग ऑर्डर में हमें और क्या क्या देखने को मिल सकता है. तो यहाँ पर आपको ये समझ में आया हो कि हमें बैक साइड से डिस्टेंस ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि हम मशीन को जितना ऊपर रखेंगे तो उतना ही हम ज़्यादा रीडिंग भी पढ़ पाएंगे. चलिए अब आगे देखें, नेक्स्ट पॉइंट पर देखते हैं. ऑप्शन सी पढ़ें एक बार कि व्हाइल डिसेंडिंग ए हिल इट इज़ ईजी टू रीड फॉर, एंड डिसेंडिंग के केस में अगर हम बात करें, इस अगर पहाड़ी हमारी डाउनवर्ड स्लोप में आ रही है तो डिसेंडिंग के केस में अगर हमारा ये बी एस है और ये हमारी एफ एस है, ध्यान देंगे जरा, ये हमारी एफ एस है और ये हमारी बी एस है, तो अब आप मुझे बताइए कौन सी रीडिंग ज़्यादा पढ़ना आसान होगा, एफ एस या बी एस. तो देखें जरा, अगर इस, अगर हम यहाँ से इस दिशा में पढ़ेंगे, यानी यहाँ पर अगर सर्वेयर खड़ा होगा तो वो ज़्यादा अच्छी रीडिंग पढ़ पाएगा इस दिशा की. क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है, पहाड़ी का नीचे की ओर स्लोप है. जब सर्वेयर अगर इधर खड़ा होगा, इस साइड में खड़ा हुआ होगा, तो वो उसकी हाइट की प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि ये हमारा निचला स्थान पड़ रहा है. सर्वेयर की सर्वेयर को रीडिंग लेने के लिए उसकी आँख टेलीस्कोप पर पहुँचना बहुत ज़रूरी है, तो उसको हाइट की प्रॉब्लम हो सकती है. दूसरी प्रॉब्लम ये हो सकती है कि सर्वेयर को यहाँ पर हमें ये देखने को मिलेगा कि सर्वेयर जब यहाँ खड़ा हुआ होगा, इस साइड में खड़ा हुआ होगा, तब वो आसानी से, तब वो बहुत ही मुश्किल से रीडिंग पढ़ पाए, क्योंकि हाइट का इशू है. और दूसरा इशू ये है कि वो बैलेंस नहीं बना पा रहा होगा अपनी बॉडी का अच्छी तरीके से, जबकि रीडिंग को देखने के लिए हमें बॉडी का अच्छी तरीके से बैलेंस और हमें बहुत ही कंसंट्रेट होकर ध्यान से देख हमें रीडिंग को देखना पड़ता है. तो हम ये कहेंगे ओवरऑल इसमें कि अगर हम डिसेंडिंग हिल में काम कर रहे हैं तो हमारी ये बैक साइड है, ये फोर साइड है, तो फोर साइड रीडिंग यानी इस दिशा में रीडिंग पढ़ना आसान होगा, तो फोर साइड रीडिंग हमें पढ़ना ज़्यादा आसान है इन कंपैरिजन ऑफ बैक साइड. तो यही बात यहाँ पर लिखी हुई है. देखें अगर आप, व्हाइल डिसेंडिंग ए हिल इट इज ईजी टू रीड ए फोर साइड देन ए बैक साइड ऑन स्टाफ, यानी कि हमारी जब डिसेंडिंग हिल में तो फोर साइड रीडिंग हम ज़्यादा पढ़ना आसान है इन कंपैरिजन ऑफ बैक साइड. तो देखें दो ऑप्शन हमारे सही होगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर एक और ऑप्शन नंबर बी ठीक है. तो देखें जरा ऑप्शन में हमारा क्या कह रखा है, वन और टू सही है, अभी तो टू हमने पढ़ा नहीं है. ऑल द थ्री आर करेक्ट, ओनली वन इज करेक्ट, ओनली टू इज करेक्ट. अब आगे बात करते हैं ऑप्शन बी के बारे में, ऑन हिल्स टू अवॉइड शॉर्ट साइड, यानी हिल्स पर अगर शॉर्ट साइड को अवॉइड करना चाहते हैं तो इंस्ट्रूमेंट शुड बी सेट, इंस्ट्रूमेंट हमें कहाँ सेट करना चाहिए, ऑप्ट इन जिग जैग साइड्स, जहाँ पर हमारी जिग जैग साइड्स हों वहाँ पर हमें ऊंचाई पर हमें क्या करना है, हमें जिग जैग साइड्स पर हमें इंस्ट्रूमेंट को सेट करना चाहिए ताकि हम शॉर्ट साइड को क्या करें, अवॉइड कर सकें. तो ओवरऑल हम ये कहेंगे कि ऑप्शन नंबर थ्री सी हमारा यहाँ पर सही है. तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर हमारा ऑल द थ्री आर करेक्ट. तो अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में. अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखें द डायफ्राम, अच्छा ये क्वेश्चन पर डिस्कस हमने कर लिया है कि जो हमारा डायफ्राम कहाँ लगा हुआ होना चाहिए, ये डबल बार हो गया है, ऐसा कंपटीशनों में भी होता है, एक क्वेश्चन दो दो बार आते हैं तो डबल नंबर भी दो दो बार मिलते हैं, आपको ध्यान रखना है इस बात का. चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हमारा 21 नंबर क्वेश्चन है, देखें जरा ध्यान से, क्लास का टाइम कितना हो गया, 58 मिनट, ठीक है. देखें जरा ध्यान से, सभी लोग अपने फ्रेंड्स को बताते रहें और उनको कहें कि यहाँ पर सर्वे की एक लाइव क्लास चल रही है, चाहें तो आपने सारे डाउट्स यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं, इतना उम्मीद करूँगा मैं इतनी आपके साथ मेहनत करूँगा कि
आपके सर्व जो भी यहाँ पर मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा उससे रिलेटेड मैक्सिमम से मैक्सिमम आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं और आपको अच्छी तरीके से एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ आपको अब तक लग भी गया होगा कि मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ वो समझ में भी आया होगा। आगे अगर बात करें कि पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट की, अगर हम बात करें कि हमारा स्टेटमेंट क्या है, तो देखा जरा यहाँ पर इसमें हमें करेक्ट स्टेटमेंट हमें देखना है इसमें। तो पहला ऑप्शन अगर हम देखें डायरेक्ट लेबलिंग और इनडायरेक्ट लेबलिंग जैसा कुछ बोला हुआ है यहाँ पर, तो देखें ऑप्शन नंबर एक की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर वन पे आ गया। अगर आप ध्यान दें कि डायरेक्ट लेबलिंग इज मोर प्रीसाइज देन इनडायरेक्ट लेबलिंग, मैंने आपको जब मैंने क्लासेस पढ़ाई हैं लेबलिंग की तो उम्मीद करता हूँ आप वो देख ली होंगी, उसमें आपको फिर दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ कि लेबलिंग हमारी दो प्रकार की होती है, एक तो हमारी डायरेक्ट लेबलिंग, एक हमारी इनडायरेक्ट लेबलिंग। इनडायरेक्ट लेबलिंग कौन सी होती है? ऐसी लेबलिंग जिस पर हमें ज़मीन के RL डायरेक्टली फाइंड नहीं होते, जैसे कि हम हाइप्सोमीट्री लेबलिंग करें। हाइप्सोमीट्री लेबलिंग कैसी होती है कि पानी को उबालते रहते हैं और प्रेशर के, पानी को उबाल कर हम वहाँ पर देखते हैं उसके क्वथनांक वगैरह पॉइंट से देखते हैं कि उसकी हाइट हमारी कितनी है, यानी पानी को बॉयल कर हम देखते हैं कि उस पानी को बॉयलिंग की मदद से हम लेबलिंग हम करते हैं, तो वो हाइप्सोमीट्री लेबलिंग कहलाती है। बैरोमीट्रिक एक लेबलिंग होती है हमारी जिसमें हम दाब के हिसाब से, आपने सुना होगा कि जैसे जैसे हम ऊंचाई पर चलते जाते हैं हमारा दाब कम होता जाता है, तो हम क्या निकालना चाहते हैं लेबलिंग में, हम वर्टिकल हाइट तो मेजर करते हैं तो हम दाब के अकॉर्डिंग भी मेजर कर सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट हमारे क्या हैं, ये सारे पॉइंट हमारे इनडायरेक्ट लेबलिंग में आते हैं। आप दूसरा कह सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक लेबलिंग। तो ट्रिग्नोमेट्रिक लेबलिंग में क्या करते हैं कि इसमें हम ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले यूज़ करते हैं, तो उससे हम लेबलिंग, तो यानी हम ज़मीन का RL निकालना तो चाहते हैं लेकिन कैसे, बाय द इनडायरेक्ट तरीके से। तो ऐसी लेबलिंग जिससे आंसर में डायरेक्ट नहीं मिलता है वो इनडायरेक्ट तरीके से हम उसमें लेबलिंग करते हैं। लेकिन ध्यान रहे एक बात कि इनडायरेक्ट लेबलिंग से रिजल्ट कभी इतने अच्छे नहीं मिलते हैं। हमें डायरेक्ट लेबलिंग कौन सी होती है, अब आप आते हैं डायरेक्ट लेबलिंग पर। देखो जो आप आज की डेट में, आज की जनरेशन जिस लेबलिंग को देख रही है, जिसमें हमारी लेबल ट्यूब लगी रहती है, जिसमें हमारी लेबल ट्यूब लगी रहती है, जिसमें हम स्प्रिट लेबल ट्यूब भी कहते हैं, उसे स्प्रिट लेबलिंग भी कहते हैं। तो डायरेक्ट लेबलिंग को हम क्या कहते हैं, स्प्रिट लेबलिंग के नाम से भी जानते हैं। तो ये लेबलिंग हमारी कैसी है, इससे हमें डायरेक्टली स्टाफ पर रीडिंग पढ़ के और तुरंत हम RL पता कर लेते हैं। तो जाहिर सी बात है ये लेबलिंग हमारी बहुत ही सेंसिटिव भी है और लगातार हम लेबल ट्यूब की सेंसिटिविटी के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये लेबलिंग ऐसी लेबलिंग है जो हमारी डायरेक्ट लेबलिंग हमारी कैसी है, ज़्यादा प्रीसाइज है। प्रीसाइज का मतलब होता है ज़्यादा शुद्ध है। तो पहला ऑप्शन तुम्हारा सही हो गया, अगर डायरेक्ट लेबलिंग इज मोर प्रीसाइज देन इनडायरेक्ट लेबलिंग। आगे बात करते हैं ऑप्शन नंबर टू। ऑप्शन नंबर टू कह रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक लेबलिंग गिव्स बेटर रिजल्ट देन स्प्रिट लेबलिंग। मैंने अभी आपको बताया कि स्प्रिट लेबलिंग ही डायरेक्ट लेबलिंग है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक लेबलिंग हमारी इनडायरेक्ट लेबलिंग है। तो बिल्कुल घुमाकर उसी ने दोबारा से वही बात हमसे बोली है कि तो ये हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक लेबलिंग कभी बेटर नहीं हो सकती स्प्रिट लेबलिंग से या डायरेक्ट लेबलिंग से। तो ये भी हमारा ऑप्शन कैसा हो गया, ये हमारा गलत हो गया। ये हमारा कैसा होगा, इसमें बोला गया है कि ट्रिग्नोमेट्रिक लेबलिंग इज बेटर देन द स्प्रिट लेबलिंग, ये गलत है। पहला वाला ऑप्शन सही है हमारा, डायरेक्ट लेबलिंग इज मोर प्रीसाइज देन इनडायरेक्ट लेबलिंग, ये ठीक है। तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, बैरोमेट्रिक लेबलिंग गिव्स बेस्ट रिजल्ट, नहीं ये भी गलत है, ये भी तो इनडायरेक्ट लेबलिंग है, तो बेस्ट रिजल्ट कैसे देगी। तो इसमें हम ये कहें कि ओनली वन इज करेक्ट, तो इसमें हमारा आंसर है ओनली वन इज करेक्ट। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कट एंड फिल, यानी कि अगर हम क्या अभी देखें, जब भी हम सर्वे करते हैं तो हम किसी भी रोड का, कैनाल का, रेलवे किसी का भी सर्वे करते हैं, तो हम सर्वे करके हम ये ज़मीनों के RL फाइंड कर लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम ये पता लगाते हैं कि अगर हम, क्योंकि आप जानते हैं कि जब हम नहर बनाते हैं तो उसका भी हम एक फॉर्मेशन लेवल तैयार करते हैं, रोड बनाते हैं उसका भी हम एक फॉर्मेशन लेवल तैयार करते हैं। फॉर्मेशन लेवल तैयार करने के बाद तब हम, अब हम ये देखते हैं कि फॉर्मेशन लेवल तैयार करने के लिए किसी मिट्टी, उसमें हमें मिट्टी की कटिंग करनी होगी या फिलिंग करनी होगी। तो देखें जब भी कभी हम फॉर्मेशन लेवल तैयार करना चाहते हैं तो मिट्टी की कटिंग या फिलिंग फाइंड करनी होती है, उसके लिए हम सर्वे करते हैं। और सर्वे करने के बाद हम करते क्या हैं, उसमें हम एक तो एल सेक्शन फाइंड करते हैं और दूसरा हम उसका क्रॉस सेक्शन फाइंड करते हैं, यानी हमें दो सेक्शन की ज़रूरत होती है। तो दोनों सेक्शन हम, तो दोनों सेक्शन फाइंड करते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कौन सी लेबलिंग करेंगे, ऐसी लेबलिंग जिसमें हमें क्रॉस सेक्शन मिल जाए, तो ऐसी लेबलिंग हमारी प्रोफाइल लेबलिंग होती है। और ऐसी लेबलिंग हमें क्रॉस सेक्शन मिल जाए जिससे, तो वो लेबलिंग हमारी क्रॉस सेक्शन लेबलिंग होती है। तो सीधे सीधा ऑप्शन ये है कि ऑप्शन सी इज करेक्ट इन दिस क्वेश्चन। आगे अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, आगे देखें हमारा क्या बोला गया है कि व्हाट विल बी द करेक्शन फॉर कर्वेचर फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 1000 मीटर। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए मैंने अभी आपको अभी भी बताया कि कर्वेचर करेक्शन जो हमारा होता है
वो होता है हमारा 0.0785 डी स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला है। अब इसमें साइन का कोई चक्कर नहीं है तो साइन हमें भी नहीं लगाना है। अब इसमें जो डी है वो किलोमीटर में वैल्यू होती है, तो अब आप मुझे ज़रा ये बताइए कि 1,000 मीटर में कितना किलोमीटर हो गया, तो जाहिर सी बात है 1 किलोमीटर हो गया। तो अगर आप यहाँ पर डी की वैल्यू 1 रखेंगे और 1 का स्क्वायर करेंगे तो और आपकी वैल्यू जितनी एज इट इज़ है तो वैसे की वैसे ही रहेगी, 0.785 ही इसका आंसर भी हो जाएगा। तो सी सी का आंसर हमारा क्या हुआ, ऑप्शन सी इसका आंसर हमें देखने को मिला। अगर यहीं पर हमसे ये पूछा होता ना कंबाइंड करेक्शन तो इसका आंसर ए हो जाता, अगर हमें कंबाइंड करेक्शन, क्योंकि कंबाइंड करेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है हमारा 0.0673 डी स्क्वायर, तो वहाँ पर डी की वैल्यू यहाँ पर वन होती, तो इसलिए हमारा आंसर कौन सा हो जाता, ए हो जाता, कब, जब हमें कंबाइंड करेक्शन की बात कही होती, लेकिन यहाँ पर हो रहा है कर्वेचर करेक्शन के बारे में। चलिए समझ में आ गया होगा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है अगला भी देखें क्वेश्चन, पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। अगर आप अपना कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर करना चाहते हैं, बारीकी से पढ़ना चाहते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा इनकरेक्ट फाइंड करने वाले और करेक्ट फाइंड करने वाले क्वेश्चंस को लगाएं। तो इसलिए मैंने, आपने देखा कि सीरीज़ में मैंने हर सीरीज़ में मैं 5 से 10 क्वेश्चन ऐसे शामिल किया करूँगा जिसमें करेक्ट और इनकरेक्ट की बात कही गई हो। इस क्वेश्चन में देखें ज़रा अच्छा चलो थोड़ी देर आपके लिए मौका देता हूँ मैं, आप इसमें बताएं कि कौन सा क्वेश्चन सही है, इसमें ज़रा ऑप्शन बताएं मुझे देखकर कि कौन सा इसमें सही है, बी सही है, चलो बता दो, डी मुन्ना डॉन, चलो कुछ लोगों के नाम लेते हैं, मुन्ना डॉन ने बताया कि डी ऑप्शन सही है, डी भुजंग नागौर ने बताया कि डी ऑप्शन सही है, और आगे कोई बताओ, ये ए बी कईयों के आंसर ए बी आर डी डी, इस पर सुदर्शन कामले डी ऑप्शन, संदीप एग्री डी ऑप्शन, चलो इसके बारे में, चलो आप देखते हैं इसका आंसर क्या होता है अभी, बाकी इसके बारे में हम और भी आगे हम डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं ज़रा, मैं चैट ऑप्शन बंद करता हूँ, फिर आपको मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। देखें क्वेश्चन बोला गया है पिक आउट द करेक्ट, तो इसमें बोला गया है कि एलिवेशन ऑफ ए पॉइंट इज इट्स वर्टिकल कोऑर्डिनेट, मतलब हमसे बोला गया है कि किसी भी, यानी कि जब हम, ये हमारा कोई समुद्र लेवल, हमारा कोई मीन सी लेवल ये है, तो हमारा एलिवेशन अगर हम किसी पॉइंट का पता करते हैं तो ये बोला गया है कि जो एलिवेशन पता कर रहे हैं तो ये वाला पॉइंट हमारा वर्टिकल कोऑर्डिनेट है, तो बिल्कुल सही तो बात है, ये हमारी वर्टिकली कोऑर्डिनेट होगा, तो ये तो बात हमारी वर्टिकल कोऑर्डिनेट वाली सही हो गई, तो ऑप्शन ए कैसा हो गया हमारा सही है। बी की बात करो कि यूजुअली एवरेज सी लेवल इज कंसिडर एज डेटम लेवल, तो देखें डेटम हमारा जो एम एस एल है जिसको हम मीन सी लेवल के नाम से जानते हैं, ये हमारा डेटम लेवल होता है, तो बिल्कुल बात सही है, ये हमारा डेटम लेवल होता है, तो ये भी हमारा ऑप्शन बिल्कुल ये सही है। डेटम का मतलब होता है कि ऐसा लेवल जहाँ पे हम 0.000 रीडिंग करते हैं, तो ये हमारा क्या, यहाँ पर रीडिंग कितनी होती है 0.000 रीडिंग होती है एम एस एल पर, यानी कि डेटम लेवल पर। तीसरा ऑप्शन है लेबलिंग कैन बी यूज्ड फॉर मेजरिंग द सेटलमेंट ऑफ बिल्डिंग, कि बिल्डिंग की सेटलमेंट के लिए, अगर बिल्डिंग का सेटलमेंट होगा तो सीधी सी बात है वर्टिकल हाइट में हमारा कुछ वेरिएशन आएगा, तो लेबलिंग हमारी यूज हो सकती है, तो ऑल ऑफ द अबव इसमें हमारा आंसर सही है। चलो आगे की तरफ हम बात करते हैं, तो आज क्लास हमारी कितने टाइम की हो गई है, 1 घंटे 6 मिनट की हमारी क्लास हो गई है, तो आज की क्लास में हम इतने ही क्वेश्चन रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में, अच्छा मुझे एक चीज़ ये बता दो कि आज का जो सेशन है वो आपको कैसा लगा, आपको ये सेशन किस तरीके का लगा, आपको बातें समझ में, अब मैं आपसे थोड़ी देर बात करूँगा, डेली क्लास होगी, जी हाँ बिल्कुल डेली क्लास होगी, अब आपको डेली, आज हमारी फर्स्ट क्लास है इसलिए हम थोड़ा सा इतना ही पढ़ाएंगे आपको। आज आपको कैसा लगा क्लास, समझ में आए आपको कॉन्सेप्ट, क्लियर हुए, आपका रिवीजन हुआ या नहीं हुआ ये भी आप मुझे बताएं, और आप जब वीडियो पर आप जब वीडियो देखते हैं डेली चार बजे टाइम चेंज होगा, तो आप देखो जब भी आप चैनल का कम्युनिटी वाला जो टैब है, कम्युनिटी टैब स्टोरीज आप देखते रहा करो, हाँ रोज़ क्लास होगी, चैप्टर वाइज होगी, बिल्कुल चैप्टर वाइज होगी, नंदा दास चैप्टर वाइज होगी, ये वाला वीडियो मैं अपलोड कर दे रहा हूँ, मिल जाएगा, टाइमिंग 4 बजे, आप एक बार चैनल के उसमें तो देखें, हाँ आप वीडियोस को आप अब आप देखें, मुझे इतना बताएं कि अब आपको ये जो सेशन था वो कैसा लगा, इसका इस बात का रिप्लाई दें, ठीक है।
आप इन क्वेश्चंस को एक बार वीडियो देख के अपने अच्छी तरीके से रिवीजन कर लेना। बाकी पीडीएफ की व्यवस्था हम बनाएंगे, अभी फ़िलहाल में तो व्यवस्था नहीं है। नंदिता दास बहुत अच्छी क्लास थी, ठीक है। गगिया हितेश अच्छी क्लास है, ठीक है। चलो अब आगे, कल मिलेंगे हम 4 बजे, फिर दोबारा हमारी मुलाकात होगी। आज के लिए धन्यवाद, आपका यही सपोर्ट रहेगा। हम पूरी क्लास अपलोड कर दूंगा मैं, आप लोग अपना यही सपोर्ट रखिए ताकि आगे और भी हमारा सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा, जितना आप कर सकते हैं, ठीक है। बाकी हम आगे क्लास भी ले के आते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों, गुड बाय।